हे गाइस, किसी भी कंट्री की इकोनॉमी को चलाए रखने के लिए वहां का ट्रांसपोर्ट सिस्टम हमेशा चलते रहना चाहिए, और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट आता है फ्यूल। सो आज हम डिटेल एनालिसिस करेंगे ऑल अबाउट फ्यूल प्राइसेस इन इंडिया। सो अ लॉट टू लर्न, अ लॉट टू डिस्कस। अगर आज के समय आप देखो तो सबसे सस्ते पेट्रोल एंड डीजल्स आपको मिलेंगे वेनेजुएला में एट रुपीज 1.48, देन ईरान में एट रुपीज 4.82 एंड पाकिस्तान में एट 54.408, जो पाकिस्तानी रुपयों में समवॉट अराउंड 104 रुपीज है। चाइना में आपको 87.11 में मिलेगा। और अगर आप भारत को देखो तो भारत उन कंट्रीज में आता है जहां फ्यूल प्राइसेस वन ऑफ द हाईएस्ट है एट एन एवरेज प्राइस ऑफ 103.560 रुपीज। अब आप सोच रहे होंगे कि वेनेजुएला एंड ईरान में तेल कौड़ियों के दाम बिक रहा है और इंडिया में इतना महंगा क्यों? वेल गाइस, इसका भी रीजन है। यूएसए ने ईरान एंड वेनेजुएला पे इम्पोज किए वेरियस सैक्शंस, जिसके वजह से कोई भी कंट्रीज इनसे ऑयल परचेस नहीं कर सकती और इनके डोमेस्टिक मार्केट में ऑयल की इतनी डिमांड है नहीं, बिकॉज कोई भी कंट्री इनसे ट्रेड नहीं कर रही है। और इंडिया में इतने ह्यूज प्राइसेस है बिकॉज इसके दो रीजंस है। सबसे पहला टैक्सेस। इंडिया एक ऐसा लौता कंट्री है जहां पर बेस प्राइस पे 260% टैक्स इम्पोज किए जाते हैं। मीन्स समझ लो, आप 65% टैक्स पे कर रहे हो पेट्रोल पे एंड 62% पे कर रहे हो ऑन डीजल। और दूसरा रीजन है ऑयल प्राइसेस इन इंटरनेशनल मार्केट। आज के समय ऑयल प्राइसेस समवॉट अराउंड $75.41 पर बैरल बिक रहा है, जिसके वजह से आपको इंडियन मार्केट में फ्यूल प्राइसेस इंक्रीज होते हुए दिख रहे हैं। अब जब भी मैं फ्यूल की बात करता हूँ, टैक्स ऑन फ्यूल की बात करता हूँ, तो यहाँ आता है एक्साइज ड्यूटी एंड सेस, जो सेंट्रल गवर्नमेंट इम्पोज करती है। और वैट, जो स्टेट गवर्नमेंट इम्पोज करती है। ऑल ओवर इंडिया आपको फ्यूल प्राइसेस डिफरेंट मिलेगी बिकॉज हर स्टेट का डिफरेंट वैट होता है। एंड सी गाइस, रिसेंटली जो बजट इंट्रोड्यूस हुआ था उसमें गवर्नमेंट ने डायरेक्ट टैक्सेस में कोई चेंजेस नहीं किए, जिस वजह से गवर्नमेंट को रेवेन्यू नहीं आता। एंड फॉर डेवलपिंग ह्यूज इकोनॉमी लाइक इंडिया, कहीं ना से कहीं तो गवर्नमेंट को रेवेन्यू चाहिए। सो दे इम्पोज टैक्स ऑन फ्यूल्स, जिससे गवर्नमेंट को रेवेन्यू मिल रहा है। और हाल ही में बात ये भी चल रही थी कि फ्यूल को GST के अंडर लाया जाए, जो एक दिन हो भी जाएगा। बट इससे सिर्फ ये होगा कि ऑल ओवर इंडिया फ्यूल प्राइसेस सेम हो जाएंगे, बट इट्स वेरी लॉन्ग प्रोसेस। हर स्टेट की राय लेनी पड़ेगी, काउंसिल बैठेगी एंड सो ऑन। अब आप ये सोच रहे होंगे कि पैंडेमिक के टाइम ऑयल प्राइसेस 20 बैरल तक पहुंच गए थे, तब इंडिया ने परचेस क्यों नहीं किया? वेल गाइस, जब ऑयल प्राइसेस क्रैश हुए थे तब पैंडेमिक का टाइम था। एट दैट टाइम इंडियन मार्केट में फ्यूल की इतनी डिमांड थी ही नहीं। अब सप्लाई तब भी होती है जब डिमांड होता है। अब आप ये सोच रहे होंगे डिमांड नहीं थी तो क्या हुआ, स्टोर करके रखना चाहिए था। वेल गाइस, हमने किया स्टोर, बट इतनी ह्यूज क्वांटिटी में ऑयल को स्टोर करने के लिए हमारे पास इतने बड़े रिजर्व्स नहीं है। और इंडिया स्पेसिफिकली ब्रेंट क्रूड ऑयल परचेस करता है। ऑयल में भी डिफरेंट क्वालिटी होती है एंड ब्रेंट इज कंसिडर्ड वन ऑफ द बेस्ट क्वालिटी। एंड ब्रेंट क्रूड ऑयल मेजरली ओपेक कंट्रीज प्रोड्यूस करती है। ओपेक का फुल फॉर्म है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, और ये इसमें आती है 13 कंट्रीज, और ये 13 कंट्रीज मिलकर ऑयल के प्राइसेस को बहुत इन्फ्लुएंस करती है। अब इसका सॉल्यूशन क्या है? सी गाइस, इसके दो सॉल्यूशन है, एक इंटरनल सॉल्यूशन है और दूसरा एक्सटर्नल। इंटरनल सॉल्यूशन ये है कि गवर्नमेंट अपने टैक्सेस कम कर दे, जो बहुत हार्ड है आई नो, बट फॉर द टाइम बिंग पब्लिक को राहत मिलेगी इससे। एंड दूसरा एक्सटर्नल सॉल्यूशन ये है कि ऑल टुगेदर इंडिया के गुडविल को यूज कर ऑयल प्राइसेस को स्टेबल रखने के लिए ओपेक कंट्रीज को प्रेशराइज करें। गाइस, देयर इज अ लॉट टू टेल अबाउट द फ्यूल प्राइसेस एंड ऑल, बट वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। फॉर द टाइम बिंग सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने कमेंट जरूर करें।